लास्ट टाइम हम लोगों ने बुकिंग करी थी जो कि हमारी पेंडिंग में थी बुकिंग। एक सेकेंड, ये हमारी बुकिंग आईडी हमने बन गई थी जो कि पेंडिंग में थी। अब हमें पेमेंट एंट्री करनी है, तो अभी हम पेमेंट पे जाएंगे यहीं से और ऐड न्यू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। एड न्यू पेमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इधर बुकिंग आईडी पे मेरे को सिलेक्ट करना, क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि जो जिस बुकिंग आईडी के मेरे को पेमेंट एंट्री करनी है उसी को मेरे को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे को इसकी पेमेंट करनी है तो ऐड कर देंगे। डिपॉजिट टाइप की उसने हमारे बैंक में चेक डिपॉजिट किया है या आरटीजीएस किया है, एनईएफटी किया है, आईएमपीएस, या हमारे को कैश दिया या अदर पेमेंट करी है। अब जैसे कि उसने आईएमपीएस किया है 50,000, कंपनी नेम मान लीजिए उसने हमारे अल्दियाफा। अब ये जो कंपनी नेम होते हैं ये वो कंपनी नेम है जिसमें आपने पेमेंट करी है, जैसे कि दियाफा इंटरनेशनल, ऑल इंडिया, अमेजोन, ये सब। ठीक है, जैसे कि दियाफा में की है उन्होंने, बैंक नेम जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली आएगा एंड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर भी वो खुद आ जाएगा। जो हमारी चेक और ट्रांजेक्शन नंबर होता है जब हमने उसमें मान लीजिए हमने जो भी करी है पेमेंट एंट्री 50,000 की, तो उसमें वहां पे लिखा हुआ था यूटीआर नंबर या यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, तो आप यूटीआर नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर डेट एंड टाइम, आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट में उसने पेमेंट करी है, मीन्स फिफ्थ में करी है तो हम फिफ्थ कर देंगे एंड इसको हम सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी पेमेंट एंट्री सेव्ड एंड पेमेंट जो हमारी पेमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली हमारी योर रिसीट आईडी इज 31519। और ये भी जो हमारी पेमेंट आईडी है ये भी हमारी पेंडिंग पेमेंट्स में ही शो होगी क्योंकि अभी तक हमारे हेड ऑफिस से ये अप्रूव नहीं हुई है। इसके अलावा अब हमारे को पता करना है कि हमारी कितनी इसमें कितना कि हमने कितनी पेमेंट कर दिया, कितना बैलेंस कर दिया, तो हम वहीं पर ही पेंडिंग बुकिंग्स में जाएंगे। अगर हमारी बुकिंग अप्रूव हो गई तो हम अप्रूव बुकिंग में जाएंगे। तो पेंडिंग बुकिंग में गए हम एंड यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे एंड ये आ जाता है हमारा रिमेनिंग अमाउंट, कितना हमारा बैलेंस है। बैलेंस इतना था अभी पेंडिंग में है, जैसे ही 50,000 हमारा अप्रूव होगा इसमें से हमारा बैलेंस अमाउंट हट जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको एक बार और। लाइक ऑल बुकिंग्स में गए, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये है हमारी पेमेंट। इस पे हमारा इतना टोटल अमाउंट था जिसमें से इतना रिसीव हो, इतना रिसीव हो, अब हमारा रिमेनिंग बैलेंस इतना है। तो ये हो दिख गया हमारा बैलेंस कितना है।